ईद उल फितर के पहले रोज़ कराची के शहरी नाश्ता करने होटलों पर पहुंच गए। रनछोड़ लाइन में नमाज ईद के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने हलवा पूरी की दुकानों का रुख कर लिया। लोगों का रश कितना है और कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान। जी, आप सबको भी सबसे पहले ईद मुबारक हो। इस वक्त कराची में ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरी जो है नमाज पढ़ने के बाद जहां रुख किया है वो है हलवा पूरी की दुकानों का। शहर में बड़ी तादाद में इस वक्त हलवा पूरी की जितनी भी दुकानें उनमें हमें बड़ा रश देखने में आया। इस वक्त मैं रंचो लाइन में मौजूद हूं और यहां पर बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हों, सभी यहाँ पर आपको हलवा पूरी का नाश्ता करते नज़र आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर नाश्ता करना है, इनसे बात करेंगे। अपने मेले में नमाज पढ़ के फिर वहाँ के कब्रिस्तान गए, फिर यहाँ घास मंडी में हमारे वालिद हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान में आए। अब कब्रिस्तान से फारिग होकर हमने सोचा चलो यहाँ पर हलवा पूरी है, ये हलवा पूरी खाते हुए घर जाएंगे, कुछ घर वालों के लिए भी ले जाएंगे। लोग हैं यहाँ पर इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और इस रमज़ान के 30 रोज़े के बाद जो पहला दिन है शहरियों का, सबसे ज़्यादा नमाज के बाद जो रुख है वो हलवा पूरी की दुकानों का है, जहाँ पर ये हलवा पूरी का नाश्ता ना सिर्फ खुद कर रहे हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ले जा रहे हैं और इसको इंजॉय कर रहे हैं। जी,